Hey, what's up and welcome back to the channel. तो भाई कल हम लोगों को निकलना है दिल्ली के लिए. एक्चुअली आज निकलना था, हम लोगों ने एक दिन प्लान डिले कर लिया. तो अभी मैं जा रहा हूँ कैफे एंड आज थोड़े बहुत एक दो काम और हैं जो एंड टाइम हो गए थे, दिक्कत दे रहे थे, तो उनको निपटाना है. एंड ये एक्सयूवी को मेरे को सर्विस सेंटर भेजना है, मैंने कंप्लेंट डाली है. पूरी गाड़ी में से आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं अभी तुम सुनना कि आ रही होंगी कि नहीं. बहुत बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं. जो इसका सस्पेंशन नॉइस था वो भी वापस आ गया, तो आई एम रियली फेड अप. तो उसके लिए गाड़ी मैंने बोला है कि पिकअप करवा लो, अगर हो पाया तो वो लोग पिकअप करेंगे, नहीं तो मैं खुद ही ड्रॉप करके आऊँगा. बिकॉज कल निकलना है तो अब मेरे पास शाम तक का टाइम है. मैंने बोला था कि पिक कर लेना, तो एक हफ्ता जब तक हम आएँ तब तक गाड़ी सही हो जाएगी. सो दैट इज़ द थिंग. एंड अभी मैं जा रहा हूँ कैफ़े एंड कैफ़े चल के तुम लोगों से बात करते हैं. बिकॉज वहाँ पे आर्यन आने वाला है. आर्यन से तुम लोग को कल वाले वीडियो में ही मिलवाया था, जोकू वाले में. तो उसको एक शूट करना है कैफ़े के लिए, तो वो थोड़े से क्लिप्स ले ले, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा. अच्छा है कि मेरे सामने ही हो जाएगा ये वाला चीज़ भी, बिकॉज मैं लेट हो रहा था. तो कैफ़े चलते हैं और फिर तुम लोगों से बात करते हैं वहाँ चल के. तो गैस अभी वाला ब्लॉग जस्ट एडिट हुआ है, अभी वाला मतलब दो दिन पहले वाला जो एंडेवर सर्विस वाला था, बिकॉज उसको दो पार्ट्स में किया, थोड़ा सा बड़ा हो रहा था. एंड अभी आई एम वेटिंग फॉर आर्यन और मेरा वो गाड़ी की सर्विस वाला जो गाड़ी पिकअप करने आ रहा था वो भी शायद आ ही गया है. कॉफ़ी पी रहा था मैं, वो बीच में छोड़ के जाना पड़ेगा. उसके बाद आके तुम लोगों को दिखाता हूँ. इंस्टाग्राम पे ना एक बहुत प्यारा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैंने एक स्टोरी अपलोड करी थी एक रील के रिगार्डिंग, वो तुम लोग को जस्ट वापस आके दिखाता हूँ. ऊपर ड्राइवर आ चुका है गाड़ी लेने के लिए. तो भाई गाड़ी अपनी चली गई, अब सही वही हो के आएगी, मतलब दिल्ली से वापस आने के बाद तुम लोग को दिखाएंगे क्या हुआ है, क्या अपडेट है गाड़ी का. बाकी ऊपर चल के इंस्टाग्राम को बताता हूँ सीन क्या चल रहा है अभी. तो मैं तुम लोगों को ये बता रहा था कि मैंने एक स्टोरी डाली थी अभी इंस्टाग्राम पे एक रील के रिगार्डिंग, जो रील आज रात में मतलब 9 बजे अपलोड हो जाएगी. तो वो जो रील है ना भाई, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट रील. बिकॉज एक बारी पहले शूट किया था वो, तब थोड़ा सा शूट गड़बड़ हो गया था, बिकॉज उसमें लाइटिंग इशू था एंड ऑडियो इशू भी था, तो वो आउटपुट उतना अच्छा निकल नहीं पाया. बट लाइक पूरा भोपाल, जितने मेरे दोस्त हैं, जितनी दुनिया है, दे आर लाइक ईगरली वेटिंग फॉर दिस रील. मैंने इसके लिए अभी स्टोरी डाली थी, भाई जो रिस्पॉन्स आया मजा आया. हर कोई बस बोल रहा है कि भाई भेजो, हम रीशेयर करेंगे. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो वायरल हो, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को चाहिए कि ये वीडियो वायरल हो. एंड अगर ये नहीं हुई तो मेरे को जेन्युइनली बुरा लगेगा, बट फिंगर्स क्रॉस ये होगी वायरल. ठीक है, तुम लोग इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मैं शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर दूंगा. मैं तुम लोग को एक बार दिखाता हूँ स्टोरी रिस्पॉन्स क्या है. दिस इज द वीडियो. एंड आज रात को ये 9:30 के बीच में लाइव हो जाएगी. एंड भाई बस मतलब मेरे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बहुत कम ऐसी वीडियोज जिनमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. एक अभी जोकू वाली है एंड एक अभी ये वाली है. तो दिस इज़ लाइक रियली क्लोज टू माई हार्ट, एंड ये वीडियो भाई बस वायरल हो जाए. तो अभी देखते हैं, अभी मैं आर्यन की वेट कर रहा हूँ, बिकॉज वो आने वाला है. उसको कुछ मेरे ऐसे पॉइंट करते हुए शॉर्ट्स लेने हैं. आई डोंट नो, हिमांशु भाई का कुछ एक कंसेप्ट है, तो वो वीडियो कैफे के लिए बननी है, तो उसके लिए वो आ रहा है. एंड बाकी ये आज वाला व्लॉग मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, बस प्रोसेसिंग में है. ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं आज क्या क्या काम होते हैं. एक काम और है, मेरा मन हो रहा है कि वो जाने से पहले मैं कर लूँ, बट देखते हैं, आई डोंट नो हो पाएगा कि नहीं. भाई पूरी दुनिया एकदम मतलब वो हो रही है, अभी मैं व्लॉग भी नहीं देख पाया अपना एडिट करने के बाद कि क्या किया है क्या हुआ है, बिकॉज अभी सब लोग इंस्टा पे वो हो रहा है कि भाई रील कवारी. मेरी हिमांशु भाई से बात हो रही थी, वो भी यही बोल रहे थे कि भाई क्या सीन है, क्या करने वाला है, तहलका मचा रहा है. तो वही है, हर कोई एकदम वो हो रहा है कि ईगरली वेटिंग फॉर दिस वीडियो. एंड मैं तो भाई ये पिज्ज़ा की वेट कर रहा था, भाई बहुत शानदार पिज्ज़ा बनाया, मैं तुम लोग को एक बार ही दिखाता हूँ. जस्ट लुक एट दिस. दिस इज़ आर बेसल गोरमे पिज्ज़ा. ये फुल्ली हैंड टॉस्ड है, जो अभी नया मेन्यू में आया है. तो मेरे को हैंड टॉस्ट पिज्ज़ा इतना पसंद है कि मैं खुद ही खाता रहता हूँ पूरा दिन. बहुत सही टाइम पे आयो, कितना अच्छा पिज्ज़ा बना है देखो, एकदम परफेक्ट. आरती. अच्छा, तो भाई आर्यन शूट करके गया, मैंने उस टाइम पे भी ब्लॉग नहीं बनाया, और उसके बाद फिर हम कैफे के थोड़े बहुत कामों में लग गए, फिर कोई मिलने आ गया था. तो बिल्कुल ही लाइक मतलब एक्चुअल में क्या प्लान था कि आज हम निकल जाएंगे, बट
कभी कभार होता है ना प्लान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो वैसा सब कुछ हो गया। तो अभी मैं कैफ़े के कुछ प्रिंटआउट्स लेने जा रहा हूँ, उसके बाद शाम में मेरे को थोड़ा सा काम है वो करके फिर रात में भाई गाड़ी रेडी करनी है, इन द सेंस कि हाँ गाड़ी से आधा आया, मेरी गाड़ी भी वो लेके गए थे तो फिर वो लोग भी फ़ोन पे जान खा जा रहे थे, मतलब कि क्या हो रहा है ये वो ऐसा वैसा, ब्लॉग भी अपलोड करना भूल गया अभी तक, बहुत सारे काम है यार। दिस लुक्स रियली ईजी डेली ब्लॉगिंग वाला थिंग, बट इट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ, समझ सकते हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बिल्कुल रात में रेडी कर लूँ और एकदम फ्री हो जाऊँ सारी चीज़ों से, मतलब सामान वामान रख के, बिकॉज पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट डन है सुबह निकलने के हिसाब से, तो आप क्योंकि पहले हम निकल रहे थे 12-1 बजे बिकॉज हमारा प्लान था बीच में ही रुक के जाएंगे, बट अब हम स्ट्रेट दिल्ली जा रहे हैं तो सुबह 6 बजे निकलेंगे, तो भाई बहुत ज़्यादा वो होने वाला है। बाकी मैं यहाँ से पहले प्रिंट आउट निकलवा लूँ, प्रिंट आउट निकलवा लिए, थोड़ा गलत ही सीन चल रहा था वहाँ, तो मतलब बच्चे आए हुए थे बहुत सारे, कहते हैं माइक्रो प्रिंट निकलवाने हैं, अब मेरे को यार आई एम रियली नूब, आई डोंट नो व्हाट माइक्रो प्रिंट इज, क्या बात कर रहे भाई, वो फर्रे थे फर्रे बनवा रहे थे इतने इतने से, वो बोल रहा था भैया अभी ऐसी थोड़ा सा सीजन आएगा ना, मैंने कहा किस चीज़ का सीजन, कह रहा है एग्जाम का सीजन, मैंने कहा अच्छा, कह रहा भाई जगह नहीं होती इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे, ये वाला काम नहीं किया भाई कभी भी, सही में सही बता रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा है। अभी नहीं, मैं रात में खाना दूंगा भाई, मैं जरा जा रहा था कुछ काम से, मेरी गाड़ी मेरे पास है नहीं तो मैं प्रतीक भाई के साथ जा रहा हूँ। कहाँ से रास्ता है, लिफ्ट भाई, थोड़ा अच्छा सही जिम है यहाँ पे, वेले वेले है, अलग अलग चीज़ें हैं, प्रतीक भाई तो शक्ल ही दिखा रहे हैं। तो भाई एक जिम देख लिया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, मेरा तो दिल आ गया, अब आगे एक दो और देखते हैं, इसी लाइन में क्या बहुत सारे जिम हैं भाई। दूसरे जिम आ चुके हैं, दिस इज, ये मेरे को लगा था ऊपर है बट ये एक्चुअली में KFC के नीचे निकला, चल के देखते हैं कैसा है ये वाला, तो क्या बड़ा शेडी सा जिम है भाई, ये वाला जिम भी सही लगा, मतलब थोड़ा सा वो वाले के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट देखते हैं हमें कौन सा सूट होता है, ये सब वहाँ से वापस आने के बाद ही प्लान हो पाएगा कि जॉइन कौन सा करना है। भाई अभी कैफे वापस आया था मैं एंड अभी वो रील अपलोड करी है, तो अभी तो पता नहीं कैसी चल रही है, मैं ज़्यादा देख नहीं रहा बिकॉज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी चल जाए, तो मैं वेट मतलब कर रहा हूँ कि कैसी रिस्पॉन्स आता है। ऊपर जाके अभी थोड़ा सामान उठा लेता हूँ मेरा, बिकॉज बहुत सारा आगे देखो वीडियो शो रहा है यहाँ पर। विशाल चार रेड बुल निकाल के रख देना अलग बाहर, नॉर्मल वाली, रास्ते के लिए हमें रेड बुल रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैं कैमरा वैमरा सब ले लूँ यहाँ से ज़रा।
सारा सामान ले लिया है, बाहर से रेडबुल ले लेते हैं, मेरे को रास्ते में रेडबुल लगेगी, कॉफ़ी भी रख लेते हैं। धुआं कहाँ से आ रहा है? निकाल ली, मेरे को ये भी दे देना ज़रा, इंस्टेंट कॉफ़ी रखी हुई ना ऊपर एक। हाँ ये पैकेट्स रखे होंगे, वो लंबे लंबे जो आए थे टेस्टिंग वाले, नहीं ये तो ग्राइंडेड है, वो पीछे रखे। हाँ दो वो दे देना। इंस्टेंट कॉफी भी रख ली है, अब बस प्रतीक भाई मेरे को घर छोड़ देंगे, उसके बाद वो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे आज, बिकॉज मैं बताऊंगा बाद में कुछ है। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़, वो खुद ही बता देंगे जब वापस आऊंगा ना उसके बाद, मैं तब बता दूंगा कि वो क्यों नहीं दिखा रहे शक्ल। अभी आज हम चलते हैं और फिर रात में पैकिंग करके गाड़ी में सामान भी डालना है पूरा का पूरा और सब कुछ सारी चीज़ें करनी है। चलो तो भाई अभी जस्ट घर पहुंचा हूं मैं, एंड भाई रिस्पांस अभी तक तो अच्छा आ रहा है वीडियो पे, बाकी देखते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड गाड़ी में सामान अभी मैं नहीं रख रहा, मतलब सोच रहा हूँ, देखता हूँ रखता हूँ नहीं रखता हूँ। एंड हाँ पहले मेरे को गाड़ी के शीशे साफ़ करने हैं, बिकॉज अंदर से ना कुछ मेरे ख्याल से मैंने इंटीरियर क्लीनिंग कराई थी तो अंदर से कुछ थोड़ा सा गंदा हो गया, तो वो साफ करवाने हैं। तो मैंने कहा एक बारी कॉलिंग से साफ कर लो, जैसे ग्लेयर आ रही है फॉग आ रही है तो बहुत अजीब सा वो देखने को समझ में नहीं आ रहा, कल भी मैंने गाड़ी चलाई तो बहुत दिक्कत हुई थी, तो पहले वो जाके कर लेता हूँ मैं, एंड फिर उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थोड़ा सा खलेरा देख रहे हो, सामान देखो हर जगह पूरे कमरे में सामान फैला हुआ है। हाँ भाई कल एपिक चीज़ हो गई, एक सूटकेस बनाया, एक छोटे वाले में शूज़ डाले, अभी भी इतने शूज़ रह गए, मेरा और ले जाने का मन था। उसके बाद भाई की जैकेट है, ये देखो एक दो तीन चार, अभी दो मैंने साइड में इधर रखी हैं बिकॉज भाई जैकेट्स के लिए जगह नहीं बची थी, अब जैकेट्स के लिए एक सूटकेस डेडिकेटेड सूटकेस अलग निकालना पड़ेगा, तो अभी वो भी कर लेता हूँ, पहले मैं जाके गाड़ी को सही कर लूँ फिर उसके बाद ये सब काम करके और फिर करता हूँ। तो भाई गाड़ी साफ कर ली, पैकिंग डन, ऑलमोस्ट डन, मतलब बिकॉज अभी एक जैकेट मेरी मिल नहीं रही है जो मैंने परसों व्लॉग में पहन रखी थी डेनिम वाली, आई डोंट नो पता नहीं कहाँ गई है अभी, कल क्योंकि आधी पैकिंग करी थी आधी आज करी है, अब कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं वो ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद तुम लोगों से कल सुबह मिलते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्नैपचैट हर जगह पर डाल दो, इंडियन लाइक करो शेयर को कमेंट करो, और हाँ सब्सक्राइब कर दो दिस वे और दैट वे, जस्ट सब्सक्राइब टू तरह, मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।